गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंडिया सीरीज जो सीए फाइनल और सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए आने वाले एग्जाम के लिए काफी रेलेवेंट है और उन्हें ये हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट्स को समझने में और साथ ही साथ आप बिल्कुल अच्छे तरीके से एग्जाम में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उनको आप सॉल्व कर पाओगे। बेसिकली जो इंडिया 116 है या बाकी जो भी इंडिया है उसके सीरीज को मैं कई पार्ट में, दो या तीन पार्ट में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालूंगा। इससे क्या होगा कि हम कॉन्सेप्ट्स को आसानी से और बारीकी से समझेंगे तो फिर वो लंबे समय के लिए हमारे पास स्टोरेज रहेगा हमारे मन में, या फिर रिटेंशन करना इसको बड़ा ही क्या होगा, आसान होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंडियस 116 जो कि काफी नया इंडियस बोल सकते हैं। इसका जो IFRS सेक्शन है वो IFRS 16 है। ये इंडियस 116 का जो नाम है दैट इज द अकाउंटिंग फॉर लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट के ऊपर बिल्कुल फोकस्ड है ये इंडियस 116। आने वाले टाइम में आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो एसेट्स के एक्विजिशन का तरीका है वो काफी बदला है पिछले कुछ 10 सालों में या पिछले 20 सालों में। एसेट्स लोग अब खरीदने से पहले ये कंपेयर करते हैं कि क्यों ना इस एसेट्स को हम लीज पे ले लें। तो लीज कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल अरेंजमेंट के लिए बहुत ही अच्छा मतलब विकल्प है, जहां पे हम एसेट्स को एक्वायर भी कर लेते हैं और अपने बिजनेस को हम आसानी से चलाते भी हैं उस एसेट्स को यूज करके, और जो एक ही साथ पैसा अपना जाता ऑब्वियस जो हम एसेट्स को खरीदते उसके मुकाबले हम इंस्टॉलमेंट पे पैसे देते हैं और हमारे पास वर्किंग कैपिटल भी अच्छा खासा मेंटेन होता है। हाँ, इसके नुकसान भी है कि आपको इंटरेस्ट देनी होती है, बट जहां तक लिक्विडिटी मेंटेन करना है इंडस्ट्री में या अपने बिजनेस में, जहां तक लिक्विडिटी मेंटेन करने का सवाल है तो लीज बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल अरेंजमेंट है। इससे आपका मतलब सांप भी मर जाता है और लाठी भी ना टूटे, ये वाली बात आपके लिए बिजनेस में हो जाती है यदि आप लीज का सहारा लेते हो। इसीलिए लीज का स्कोप इतना ज्यादा बढ़ गया है इंडस्ट्री में कि सारी के सारी कंपनी, चाहे वो लॉजिस्टिक सेक्टर से हो, चाहे वो आप मान के चलो रिटेल सेक्टर वाले हो, इवन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम पैसों का बिल्कुल ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करें और लीज को बिल्कुल यूज करते हैं। इसी के चलते आप देखो तो AS 19 हुआ करता था, जिसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 बोलते थे, उसमें हम लीज पढ़ते थे इंटरमीडिएट लेवल पे। उसके बाद इवन फाइनल में जब हम बात करें तो इंडेक्स चूंकि पूरे फाइनल में एप्लीकेबल है, चाहे वो सीएस के स्टूडेंट हो या सीएमएस के स्टूडेंट हो, फाइनल में लीज के लिए AS 17 बट कहीं ना कहीं AS 19 या AS 17 जो था वह कहीं ना कहीं आज के जमाने में जो इंडस्ट्री का एक बेंचमार्क है उसके मुकाबले खड़ा नहीं हो पा रहा था। और कभी भी हम कोई इंडेक्स पढ़ रहे हैं तो इंडेक्स पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव है वह ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हो बिल्कुल उसको ट्रू एंड फेयर व्यू पे खड़ा उतरना है। जब तक आप ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बताओगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तब तक कहीं ना कहीं विंडो ड्रेसिंग की संभावनाएं बहुत ज्यादा होगी। तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे आप देखो कि बिजनेस मॉडल चेंज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे बिजनेस करने के तौर तरीके बदलते जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है इंडेक्स में वैसे वैसे चेंजेस तो आने ही आने हैं। और उसी चेंजेस में जो सबसे अच्छा चेंजेस आया है इंडियस 116, उन्हीं चेंजेस का नाम है। बिल्कुल चेंज के अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग को भी चेंज किया गया है और इंडस्ट्री ने इसको वेलकम भी किया है और अभी तक ये काफी अच्छा सही खड़ा हुआ है जहां तक इसके यूटिलाइजेशन की बात है। तो देखिए यहाँ पे हम कोई सा भी इंडेक्स पढ़ते हैं तो एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा मैं सबसे पहले। तो एप्लीकेबिलिटी आप सिंपली समझना है कि कोई सा भी इंडेक्स यदि हमारे पास आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उस इंडेक्स को नोटिफाई करती है ये इंडेक्स कब से एप्लीकेबल होगा इंडस्ट्री के लिए। तो आप देख सकते हो कि 30th of March 2019 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसे आप MCA बोलते हो, उन्होंने नोटिफाई कर दिया। जो इंडेक्स हम पढ़ रहे हैं 116, आप बिल्कुल समझिए IFRS 16 का ही दूसरा रूप है, फुल्ली कन्वर्ज्ड। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि हम जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़ते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो कि अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स है, उसका बिल्कुल इंड एस 16 के साथ ताल्लुकात है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है आप बोल सकते हो एक तरीके से। तो इंड एस 116 पढ़ो या IFRS 16 पढ़ो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल्ली कन्वर्ज्ड है ये।
ये न्यू स्टैंडर्ड रिप्लेस कर दिया, किसको रिप्लेस कर दिया, तो इंड एस 117 को ये न्यू स्टैंडर्ड क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। यहां पे मैंने दिखाया है कि द न्यू स्टैंडर्ड रिप्लेस्ड इंड एस 17, यानी कि इंड एस 17 को आपने रिप्लेस कर दिया। और ये फाइनेंशियल ईयर 2019-20, फाइनेंशियल ईयर 1920 से एप्लीकेबल है। ओके सर, इसमें नई बात क्या है? अभी तक तो आपने कहा कि एस 19 जैसा था, लगभग वैसा ही अपना इंडिया 17 भी था, बट एस 19 तो अभी तक है ही, एस 19 में तो चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे जो इंड एस सीरीज है, इंड एस ने इंड एस को रिप्लेस किया है। मैं ये नहीं बोला कि इंड एस ने एस को रिप्लेस कर दिया, नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 अभी भी है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। जो इंड एस 17 है उसको अमेंडेड करके इंड एस 116 लाया गया। और इसमें जो नई बातें आ गई है, बिल्कुल लीज के डेफिनेशन को बिल्कुल ही बदल दिया गया। आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू डेफिनेशन ऑफ लीज, लीज के डेफिनेशन को बदल दिया गया, यानी कि अब जो आप लीज की परिभाषा पढ़ेंगे बिल्कुल नई परिभाषा आप पढ़ेंगे। ओके आगे चले, आगे कौन सी नई बात है इसमें? तो इसमें नई बात है अकाउंटिंग फॉर लीज, जब भी अब हम करेंगे तो क्या चेंजेस है इसमें। एक तो लीज के डेफिनेशन को चेंज किया गया है, दूसरा इसमें क्या हुआ है कि जो अपना लेसी है, जो अपना लेसी है, लेसी आप मतलब समझते हो जो एसेट्स को यूज करते हैं उसे हम लेसी बोलते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। तो लेसी की अकाउंटिंग में ना सब्सटेंशियल चेंजेस आ गए हैं, लेसी के अकाउंटिंग में सब्सटेंशियल चेंजेस आए हैं, यानी कि गए वो दिन जब लेसी ये पता करता था कि वह लीज की जो अकाउंटिंग करे अपने बुक्स में उसके लिए ऑपरेटिंग लीज के बेसिस पे अकाउंटिंग करें या फाइनेंशियल लीज के बेसिस पे अकाउंटिंग करें। अब लेसी को यह झंझट मोल नहीं लेना है, क्योंकि इंड एस का काम है, कोई सा भी इंड एस का काम है ट्रू एंड फेयर व्यू बताना। तो अब बात यह हो रही है कि पहले जब तक इंड एस 116 नहीं आया था तब क्या था कि यदि फाइनेंशियल लीज होता था तो वहां पे जो लेसी होते थे वह एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों को रिकॉग्नाइज करते थे। ऑपरेटिंग लीज की जहां तक बात होती थी तो लेसी क्या करता था, सिर्फ रेंट एक्सपेंस दिखाता था, ना वो एसेट्स को बुक करता था ना ही लाइबिलिटी को बुक करता था। तो इससे क्या हुआ कि आप बचपन में पढ़े हो एएस 1 जिसका मैंने कल वीडियो भी डाला था, वहां पे एक बात लिखी गई है सबस्टांसेस ओवर फॉर्म। जो अपना अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है ये हमेशा बोलता है कि हमें सबस्टांसेस चेक करनी है, हमें लीगल फॉर्म नहीं चेक करनी है। जिसका अच्छा खासा ये एग्जाम्पल है कि चूंकि यहाँ पे लेसी ने कोई एसेट्स लीज पे ले रखा है तो भैया 10 साल के लिए लीज है या 20 साल के लिए लीज है, यूज तो वही करेगा। मियरली बिकॉज आप इसे ऑपरेटिंग लीज का नाम दे देते हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसे एक्सपेंस दिखा के ही छोड़ दोगे। एसेट्स का यूज तो आप ही करोगे आने वाले 10 सालों में, और चूंकि आप मान के चलो कि ये नॉन कैंसिलेबल लीज है तो आपको रेंट तो फ्यूचर में देना ही देना है। ऐसा तो आप नहीं बोल सकते कि हमें रेंट फ्यूचर में नहीं देना है, तो फिर क्या ये बात सही है क्या? हमने कमिटमेंट भी कर लिया है कि साहब 10 साल तक एसेट्स हम यूज करेंगे, है ना, फिर हमें 10 आने वाले 10 सालों में इतना 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 हमने रेंट भी देना है। तो कहीं ना कहीं एसेट्स का यूज भी हम ही कर रहे हैं, आने वाले टाइम में जो अपना कमिटमेंट है वो रेंट देना ही देना है। और मियरली बिकॉज की एक परिभाषा हमने बना दिया ऑपरेटिंग लीज का, ये दिखा करके हम सिर्फ रेंट एक्सपेंस ही डाल रहे हैं, तो इससे कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही। तो इन सब बातों को दूर किया गया और अब ये समझिए कि अब ऑपरेटिंग लीज या फाइनेंशियल लीज के झगड़े में आपको नहीं उलझना है एज फार एज लेसीज अकाउंटिंग इज कंसर्न। यानी कि लेसी के लिए अब जैसे ही लीज एग्रीमेंट की बात आएगी तो लेसी को आने वाले टाइम में एक ही तरीके से अकाउंटिंग करनी है। सिंगल विंडो है यहाँ पे कि लेसी को कोई सा भी आप सिचुएशन ले लो, सिंगल विंडो रहेगा कि लीज पे आप एसेट्स एक्वायर कर रहे हो तो आप उसको एसेट्स रिकॉग्नाइज करो, और फ्यूचर में जो आप रेंट पे करोगे उसके लिए आप लायबिलिटी बुक करो। ओके आगे चलते ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कोई सा भी इंड एस पढ़ोगे, ये कोई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई सा भी इंड एस पढ़ते हैं तो कोई ना कोई इंड एस या कोई ना कोई लॉ का एक मकसद होता है। तो यहाँ भी मकसद है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब हुआ कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है क्या ये लीज के कटघरे में खड़ा होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकॉग्निशन करेंगे। रिकॉग्निशन का मतलब समझ गए, यानी कि लीज के कटघरे में ये ट्रांजेक्शन आएगा या नहीं आएगा।
दूसरा है अपना मीजरमेंट। यदि लीज के कटघरे में आ गया तो मैंने कहा आपको कि चूंकि लेसी के ऊपर इंडियस 116 लग रहा है तो अब उसे रिकॉग्नाइज करना है कि लायबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी, एसेट्स की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज द रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यू। तो उसको हम बोलेंगे मीजरमेंट, वैल्यू निकालना। फिर उसकी प्रेजेंटेशन होगी कि एसेट्स को आप कहाँ दिखाओगे, लायबिलिटी को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे। फिर आपको डिस्क्लोजर भी देनी होती है ना, डिस्क्लोजर के थ्रू आप बताते हो कि हमारे पास जो एसेट्स है वह हमने किस प्रकार से लीज पे एक्वायर की है, उसका क्या स्कोप है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज स्कोप ऑफ इंड एस 116। बड़ा ही रेलेवेंट है ये कॉन्सेप्चुअली, आप देखो तो स्कोप ऑफ इंड एस 116 क्या बोला इन्होंने, इन्होंने ये बोला कि इट शैल अप्लाई टू ऑल लीज ट्रांजेक्शन, जितने भी लीज ट्रांजेक्शन है सबके ऊपर अप्लाई होंगे। तो ऐसा कहने से तो काफी ब्रॉडर इसका स्कोप हो गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा कहना मुश्किल है कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन को आप इंड एस 116 में खड़े कर दोगे। नहीं, ऑलरेडी बहुत ऐसी चीजें हैं जहां इंड एस 116 नहीं लगना चाहिए, और ये जेन्यून सी बात है। जैसे कि आप देखो, सबसे पहला पॉइंट, आप मान के चलो भारत सरकार का कोयले की खान है ना, कोयले की खान के आपको लाइसेंस मिलते हैं। तो जो कोयले की खान के आपको लाइसेंस मिलते हैं, ये लाइसेंस 10 साल के लिए है। आपका काम है कोयला निकालना, तो भले ही आप कोयला निकालोगे है ना, उस कोयले को आप एक तरीके से आप बेचोगे आगे, तो ये जो राइट है आपके पास एक्सप्लोरेशन और यूज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, इसके लिए हमारे पास अलग से एक इंडिया से 106। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमने एक्सक्लूसिवली इन बातों के लिए इंडिया 106 लगा ही रखा है, यहाँ 116 क्यों आएगा, सिंपल है। दूसरा है बायोलॉजिकल एसेट्स, है ना, बायोलॉजिकल एसेट्स की बात हम करेंगे बिल्कुल इंडिया 41 में एक अलग से स्टैंडर्ड बन रखा है। तो बायोलॉजिकल एसेट्स भले ही आप लीज पे ले रहे हो तभी उसके लिए इंडिया 41 है ही, तो वहां 116 लगाने की जरूरत नहीं है। आगे अपना सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट, जब इंडिया 115 पढ़ेंगे तो वहां हम बात करेंगे कि सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट क्या होता है ना। तो सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट के लिए ऑलरेडी हमारे पास इंडिया 115 एप्लीकेबल है, वहां फिर इंडिया 116 नहीं लगेगा। इसके ऊपर हम इंडिया 115 में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट इज लाइसेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट। मान लो कि हमारे पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे मान के चलो हम एक तरीके से बोले आपको कि हमने गूगल ड्राइव का यूज किया, तो गूगल ड्राइव एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ही आएगा। उसका लाइसेंस यूज करने के लिए हम उसका पैसा देते हैं, तो ये भी इंडियस 115 में ही होगा। यानी जो भी सर्विस अरेंजमेंट है उसके पैसे आप दे रहे हो तो 115 में ही होगा। नेक्स्ट इज अपना कि कोई सा भी आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करते हो, पेटेंट, कॉपीराइट यूज करते हो, मोशन पिक्चर फिल्म के तहत फिल्म आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, रिकॉर्ड करते हो, तो ये सब इंडियस 38 में इंटेंजिबल एसेट्स जब आप पढ़ोगे तो वहां पे ये ऑलरेडी कवर्ड, मतलब ये लीज के डेफिनेशन में नहीं आएगा। इंटेंजिबल एसेट्स ऑलरेडी आप जब पढ़ोगे इंडियस 38 में वहां इसकी बात। तो आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल ये रटने वाली बात नहीं है, सिंपल है, लीज एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज कवर्ड बाय इंडियस 110। इवन दो यू हैव एक्वायर्ड बायोलॉजिकल एसेट्स अंडर लीज एग्रीमेंट, इट इज कवर्ड बाय इंडियस 41, नॉट बाय इंडियस 116। जो सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट है, मान के चलो हमारे पास कोई एक एसेट्स है जो हमने ले रखा है, और उस एसेट्स का मेंटेनेंस, उस एसेट्स में कोई खराबी होती है, उसका मेंटेनेंस जिससे मैंने खरीदा है वही आके करता है, ये भी इंडियस 115 में ही होगा, भले ही वो एसेट्स को हमने लीज पे दे रखा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, गूगल ड्राइव हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हो गई, इन सब का मैंने लाइसेंस रिन्यूअल करवा रखा है या लाइसेंस ओरिजिनली ले रखा है मैंने, ये सब 115 में ही कवर्ड हो गए, सिंपल सी। आइए नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉग्निशन एग्जेम्पशन। जो ऊपर मैंने आपको कहा कि ये सारे पॉइंट्स इंडियस 116 में नहीं आएंगे, वो तो बिल्कुल जेन्यून सी बातें नहीं आएंगे क्योंकि उसका ऑलरेडी अलग से इंडियस है। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रिकॉग्निशन एग्जेम्पशन। रिकॉग्निशन एग्जेम्पशन का मतलब हुआ कि ये ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसको इंड एस 116 कवर तो करता है, लेकिन यदि लेसी चाहे
तो उसकी मर्जी है कि इसके ऊपर इंडियस 116 लगाए तो बढ़िया, ना लगाए तो बढ़िया। इसके अंदर दो ही बात है, एक है अपना शॉर्ट टर्म लीज, एक है अपना शॉर्ट टर्म लीज, दूसरा अपना लो वैल्यू लीज। तो सर शॉर्ट टर्म लीज क्या होगा? तो जो 12 महीने तक के लीज है, जो एग्रीमेंट आपने लीजिंग के 12 महीने तक के कर रखे है, वह शॉर्ट टर्म लीज है। तो आपकी मर्जी है, लेसी की मर्जी है कि उसे इंड एस 116 के नजरिए से देखे या सिंपल इसके जो भी रेंट है उसे एक्सपेंस बुक कर। लो वैल्यू लीज ये बड़ा ही सब्जेक्टिव मैटर है कि लो वैल्यू मतलब क्या हुआ। तो इंटरनेशनली यदि हम IFRS पढ़ते हैं तो वहां पे मैंने देखा था कि डॉलर 5000 तक को इंटरनेशनली लो वैल्यू माना जाता है, बट हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से मुझे ऐसा कोई नहीं मिला है कि बेंचमार्क कितना है। तो आप बिल्कुल सब्जेक्टिव मैटर है, आप यह समझ जाओ जैसे आप कोई पर्सनल कंप्यूटर खरीदते हो, टैबलेट, लैपटॉप, फर्नीचर 1,00,000 रुपए का, 2,00,000 रुपए का खरीदते हुए यदि आप लाते हो तो बहुत बढ़िया, बट यदि आप इसको लीज पे लेते हो, कोई लैपटॉप आपने लीज पे ले लिया, कोई फर्नीचर आपने लीज पे ले लिया, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ही कम है, तो आप इसके ऊपर इंडियस 116 लगाओ या ना लगाओ, ये आपके लिए ऑप्शन। ये रिकॉग्निशन एग्जेम्पशन मतलब इंडियस 116 में इनकी रिकॉग्निशन है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडियस 116 में इसकी रिकॉग्निशन नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, बट चूंकि ये 12 महीने से कम के हैं तो कहाँ का एसेट्स, कहाँ का लायबिलिटी दिखाना सही बात नहीं है ना। 12 महीने में ही तो जनरली हम अकाउंटिंग तैयार करते हैं, और लो वैल्यू लीज है तो बहुत जल्दी ये कंज्यूम हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक तरीके से रिकॉग्निशन एग्जेम्पशन। यदि आप इसको रिकॉग्निशन एग्जेम्पशन में लेते हो तो इसके लिए जो भी आप रेजिडेंटल पे कर रहे हो उसे आप एक्सपेंस मानोगे, और उस एक्सपेंस को आप सिस्टमैटिक बेसिस पे, यानी कि जैसे जैसे उस एसेट्स को आप यूज करोगे वैसे वैसे, या फिर आप ये समझो या तो यूज के बेसिस पे या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस पे आप उसे एक्सपेंसेस बुक कर। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज रिन्यूअल ऑप्शन। एक सवाल मन में आता है कि हमने कोई लीज ले लिया, 12 महीने के लिए हमने लीज पे ले लिया, बिल्कुल 12 मंथ्स के बाद मान के चलो इसका लीज एग्रीमेंट समाप्त हो जाएगा, तब तो रिकॉग्निशन एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि नहीं, इसका रिन्यूअल भी होगा और ये पीरियड 12 महीने से भी आगे जाएगा, तब क्या होगा? तो फिर इसे हम शॉर्ट टर्म लीज नहीं बोलेंगे, क्योंकि रिन्यूअल हमारे पास ऑप्शंस है और बिल्कुल हम सर्टेन है कि हम रिन्यूअल ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम लीज टर्म को एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे फिर आप इसे शॉर्ट टर्म लीज नहीं बोलोगे। तो ध्यान रखना, रिन्यूअल ऑप्शंस यदि है हमारे पास, किसके पास? लेसी के पास, और बिल्कुल सर्टेन है कि लेसी इस रिन्यूअल ऑप्शन को एक्सटेंड करेगा, यानी 12 महीने से ज्यादा के लिए एसेट्स को यूज करेगा, तो फिर उसे शॉर्ट टर्म लीज नहीं बोलेंगे, तो फिर रिकॉग्निशन एग्जेम्पशन नहीं है। यहाँ पे आपको फिर इंडियस 116 लगाना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज मीनिंग। किस बात का मीनिंग? ये है अपना मीनिंग ऑफ लीज एग्रीमेंट, जो काफी चेंजेस हो गए। पहले आप लीज की परिभाषा पढ़ते थे, अब इस लीज के परिभाषा को पढ़िए तो काफी आपको डिफरेंसेस आएंगे देखने में। लीज क्या है? तो लीज कॉन्ट्रैक्ट। यदि मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो इंड एस 115 जो आप पढ़ोगे वहां पे कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल अच्छे से डिफाइन कर रखा है इंड एस 115। तो कॉन्ट्रैक्ट तो जनरली आप समझते ही हो, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट है या मान लो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा है, जहां पे हमें मिला है लेसी को राइट टू कंट्रोल। हम बारीकी समझेंगे राइट टू कंट्रोल का क्या मतलब होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमें राइट टू कंट्रोल मिला है किस चीज को लेकर के? आइडेंटिफिएबल एसेट्स को लेकर। तो दो चीज याद रखना आप, कॉन्ट्रैक्ट का तो होना जरूरी है, बट कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है राइट टू कंट्रोल और हमें मिल रहा है आइडेंटिफाइड एसेट्स। दोनों को समझेंगे हम, कितने समय के लिए? फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। यदि हमेशा के लिए राइट टू कंट्रोल मिल जाए आजीवन, तब तो भैया ये सेल हो गया, तब तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन या टर्नओवर की बात हो गई यहाँ पे, उसे आप सेल बोल दोगे, है ना। तब तो आपने इसे खरीद ही लिया, सामने वाले पार्टी जिससे आप खरीद रहे हो उसके लिए सेल हो गया, आपके लिए खरीद हो गया। बट ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे राइट टू कंट्रोल किसी आइडेंटिफाइड एसेट्स के लिए, आपको एक समय के लिए, एक समय सीमा, जैसे मान लो 10 साल के लिए आपने इसे लिया है, 10 साल के, तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लीज एग्रीमेंट। ऑब्वियस सी बात है,
यदि आप कोई राइट टू कंट्रोल लेते हो आइडेंटिफाइड एसेट्स का एक समय सीमा के लिए, तो आपको रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। तो लास्ट में ये भी लिखा हुआ है इन एक्सचेंज फॉर अ कंसीडरेशन, तब जाके क्या होगा ये लीज एग्रीमेंट। यानी कि इसमें दो पॉइंट याद रखना आपको कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत या कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से के तहत हमें क्या मिल रहा है, राइट टू कंट्रोल मिल रहा है किस बात का, आइडेंटिफाइड एसेट्स का एक समय सीमा के लिए, और बदले में हम रेंट पे कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे लीज एग्रीमेंट। आइए हम बारीकी से देखते हैं आइडेंटिफाइड एसेट्स, बड़ा ही रिलेवेंट है कॉन्सेप्चुअली, ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिफाइड एसेट्स का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिफाइड एसेट्स का मतलब जब पढ़ा मैंने तो उससे ये क्लियर हुआ द एसेट्स, इसका मतलब अ एसेट्स नहीं है, इसका मतलब है द एसेट्स। अब मैं यहां से आपको समझाऊं कि मान के चलो हमने क्या किया, एक टूर एंड ट्रेवल कंपनी है, उनको मैंने ये बोल दिया कि आने वाले 4 सालों के लिए शाम के टाइम में और सुबह के टाइम में आपका कार मुझे चाहिए, आपका जो मोटर गाड़ी है मुझे चाहिए, ओके। उन्होंने कहा जी सर। अब जो कार मुझे वो सर्विस में दे रहे हैं ये उनकी मर्जी है, कभी इनोवा भेज देते हैं, कभी होंडा सिटी भेज देते हैं, कभी मान के चलो वेगन आर भी भेज देते हैं, उनकी मर्जी है। जो टूर एंड ट्रेवल कंपनी वाले हैं इन्होंने हमसे एग्रीमेंट भी कर रखा है, एग्रीमेंट ये कर रखा है कि अपना कार मुझे सप्लाई करेंगे सुबह और शाम ऑफिस जाने के लिए आने के लिए, बट कार कौन सी है, कोई सा भी जो उनके पास अवेलेबल होता है भेज देते हैं मुझे। क्या ये आइडेंटिफाइड एसेट्स है? द आंसर इज नो, क्योंकि उनकी मर्जी है। यदि मैं यहाँ पे ये बोल दूं नहीं 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 मुझे होंडा सिटी ही चाहिए, और होंडा सिटी की जो गाड़ी है, होंडा सिटी जो कार है वो बिल्कुल एक ही गाड़ी है जो सुबह शाम मेरे लिए बिल्कुल फ्री होता है, तब जाके बोलेंगे इसे हम आइडेंटिफाइड। एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग, पूरे बिल्डिंग को मैंने ले लिया लीज पे, तो बिल्डिंग इज द आइडेंटिफाइड एसेट, यानी उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। यानी कि इट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ एसेट, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द एसेट। द एसेट्स का मतलब एक्सक्लूसिवली उस एसेट्स का मुझे इस्तेमाल करने का हक मिल रहा है। यस, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई किया जाएगा, और जब आपको एसेट्स अवेलेबल करवाई जा रही है उस समय आपको बताई जाएगी कि ये एसेट्स ही आपको यूज करने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए कार को लीज पे ले रहे हो तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया आपको होंडा सिटी ही मैं दूंगा आपको, होंडा सिटी की ये गाड़ी जो लगी हुई है जिसका नंबर भी स्पेसिफाई है वही दूंगा मैं, तो दैट इज द आइडेंटिफाइड एसेट। यदि सर ऐसा हो कि उसी टूर एंड ट्रेवल कंपनी से आपने जो गाड़ी ले ली है उन्होंने एसेट्स तो बोल दिया बट उन्होंने ये नहीं बोल दिया कि कौन सा एसेट्स आपको हम हमेशा देंगे, तो फिर वो सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट के तहत एक तरीके से इंडियस 115 में चीजें आ जाएंगी, यहाँ फिर वो चीजें नहीं आएंगी। तो एसेट्स का फिजिकली आइडेंटिफिकेशन बड़ा ही जरूरी है, या आपको जो एसेट्स मिल रहा है वह बिल्कुल आइडेंटिफाइड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज राइट टू कंट्रोल। राइट टू कंट्रोल का मतलब क्या हो, मुझे एक चीज बताओ, कुछ दिन पहले न्यूज में आया था कि पाकिस्तान के पास जो F-16 जो उनके पास है जेट जो एयरफोर्स उनके यूज करते हैं, ये उसे अमेरिका ने दिया है, और F-16 को यूज करने से पहले पाकिस्तान को USA से पूछना पड़ता है, यानी USA वाले यदि चाहे तो अपने रिमोट से पाकिस्तान के F-16 को लॉक कर देते हो। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पाकिस्तान के पास राइट टू कंट्रोल है, उसके पास आइडेंटिफाइड एसेट्स है, बट क्या उसके पास राइट टू कंट्रोल है, क्या अपनी मर्जी से यूज कर पा रहा है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, उसके पास राइट टू कंट्रोल नहीं है। राइट टू कंट्रोल की बात कब होती है? राइट टू कंट्रोल की बात होती है जब आप किसी भी एसेट्स को एज अ लेसी जब मन चाहे जिस रूप में यूज कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी कि दो के दो कंडीशन आपको चेक करनी है, तभी मैं ये बोलूंगा आपने जो एसेट्स लिया है उस एसेट्स का एक्सक्लूसिवली राइट टू कंट्रोल आपके पास है। तो पहला कंडीशन इज उस एसेट्स को आप जो यूज करोगे उससे जो भी आप रिवेन्यू जनरेट करोगे, उससे आप जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करोगे, ये इकोनॉमिक बेनिफिट आप ही यूज करोगे साहब, आप ही यूज करोगे। मान के चलो मैंने बिल्डिंग ले लिया रेंट बच्चों को पढ़ाने,
अब चूंकि बच्चों को पढ़ा रहा मैं और बच्चों से जो ट्यूशन फी आ रही है ये सारे ट्यूशन फी मेरे ही हैं, इसमें मकान मालिक को मतलब नहीं है, उसे बस रेंट से मतलब है, ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए हो गया राइट टू कट, यानी कि उस एसेट्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, और जो भी रिवेन्यू जनरेट हो रहा है इसका लेसर से कोई मतलब नहीं है, लेसर इस रिवेन्यू में हाथ नहीं लगा सकता, लेसर को बस चाहिए किराया रेंट। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि लेसी जब मन चाहे उस एसेट्स को यूज कर सकता है, यानी कि राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एसेट्स, जब मन चाहे जैसे चाहे यदि लेसी उसको यूज कर सकता है तभी उसे राइट टू कंट्रोल कहा जाए। यानी दो के दो कंडीशन पूरा होना चाहिए राइट टू कंट्रोल के लिए, पहला ये कि लेसी उस एसेट्स को अपने बिजनेस में यूज करेगा, और बिजनेस में जब यूज कर रहा है तो जो भी रिवेन्यू जनरेट कर रहा है उसे शेयर नहीं करेगा। दूसरा ये एसेट्स को यूज करने के लिए लेसर ने कोई लिमिटेशंस नहीं लगा रखे, जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर लिमिटेशंस लगा रखे हैं, जब भी तुम F-16 का इस्तेमाल करेगा पहले हमसे तू सहमति लेगा। तो फिर अमेरिका ने जो F-16 दे रखी है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के पास आइडेंटिफाइड एसेट्स है मान के चलो आप एग्जाम्पल के लिए, बट उसके पास राइट टू यूज नहीं है, राइट टू यूज कहीं ना कहीं अमेरिका के पास। नेक्स्ट पॉइंट इज इंसेप्शन ऑफ लीज। इंसेप्शन ऑफ लीज का मतलब जो आपका लीज एग्रीमेंट है वो कब स्टार्ट होता है। इन्होंने कहा इट इज अर्लियर ऑफ डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट, जिस दिन आपने एग्रीमेंट लिया, या फिर एग्रीमेंट नहीं किया आपने बस कमिटमेंट कर दिया। यहाँ सलमान खान की बात करिए, एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, तो आप एग्रीमेंट कर दो बहुत बढ़िया, बट इवन कमिटमेंट भी कर दिया पार्टीज ने कि हम आपसे एसेट्स लेंगे लीज पे, उसे इंसेप्शन ऑफ लीज माना जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज कमिंसमेंट ऑफ लीज। कमिंसमेंट काफी जरूरी है क्योंकि अकाउंटिंग हम कमिंसमेंट डेट पे ही करते हैं, तो कमिंसमेंट डेट का मतलब जिस दिन आपको एसेट्स मिल गया, यानी कि आइडेंटिफाइड एसेट्स मिल गया और राइट टू यूज भी मिल गया, लेसी को मिल गया, किसके थ्रू, लेसर के थ्रू, यानी कि लेसर ने अपने एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया लेसी को, अवेलेबल करवा दिया यूज करने के लिए, उसे हम बोलेंगे कमिंसमेंट ऑफ द लीज। ओके, पीरियड। पीरियड का मतलब क्या होगा, जो आप एसेट्स यूज करोगे कितने समय तक आप यूज करोगे उसे ही हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लीज टर्म। लीज टर्म और पीरियड कहीं एक सा नहीं लगता आपको, बिल्कुल एक जैसा लगता है लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लीज टर्म मान के चलो कि मैंने 10 साल के लिए लीज लिया, 10 साल तक के लिए मैंने आपके एसेट्स को लीज पे ले लिया, बट मैं क्या करता हूँ कि दिसंबर से लेकर के मैं मान के चलो मार्च तक ही आपके एसेट्स को यूज करता हूँ प्रत्येक साल, तो दिसंबर से मार्च तक ही यूज करता हूँ प्रत्येक साल, ये तो फिर पीरियड हो गया, यानी कि एसेट्स का जो यूज कर रहा हूं मैं जितने समय के लिए, वह दैट इज द पीरियड। और ये 3 महीने यूज करने के लिए, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि सॉरी 4 महीने हो गए, प्रत्येक साल में 4-4 महीने एसेट्स यूज करूंगा आने वाले 10 सालों में, प्रत्येक साल 4-4 महीने मैं एसेट्स यूज करूंगा आने वाले 10 सालों में, तो जो आने वाला 10 साल है वो हो गया अपना, क्या हो गया, वो हो गया अपना लीज टर्म। और जो हम यहाँ पे 4 महीने हम यूज करेंगे आपके एसेट्स को प्रत्येक साल, उसके हिसाब से जितना टोटल आएगा दैट इज द पीरियड, उसे हम बोलेंगे पीरियड। क्लियर है, लीज टर्म भी क्लियर हो गया। लीज टर्म में 2 बातें आती है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसमें रिन्यूअल पीरियड भी आता है कि मान लो 10 साल के लिए हमने लीज लिया है और हमें लग रहा है कि नहीं लीज के टाइम को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये सर्टेन है, रीजनेबली सर्टेन है कि लेसी अपने लीज टर्म को रिन्यू करवा के आगे बढ़ाएगा, तो जितना दिन आप आगे बढ़ाओगे वह रिन्यूअल पीरियड में इंक्लूड हो जाता है। इसमें कैंसिलेबल पीरियड भी आ जाते हैं जब ये सर्टेन है कि लीज कैंसिल नहीं करेगा लेसी। यदि लीज कैंसिल नहीं करेगा लेसी तो ऑब्वियस ही बात है आप उसे यूज करोगे ही करोगे, ये 2 पीरियड आपको ध्यान रखना। ओके, हमने इतना कवर किया जो एग्जाम के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंटिंग करेंगे और बिल्कुल हम प्रैक्टिकली बात करेंगे जो कॉन्सेप्ट को और समझाने में आपको हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम किस प्रकार से अकाउंटिंग की जाती है। हालांकि अकाउंटिंग की मैं थोड़ा सा बात कर दूं, तो अकाउंटिंग के लिए हमने ये देखा है कि लेसी के बुक्स में जो अकाउंटिंग होगी वह चेंजेस हो गए,
और डेसर के बुक में जो अकाउंटिंग होगा वो बिल्कुल पहले जैसा ही है। पहले जैसे का मतलब जिन बच्चों ने इंडिया 17 पढ़ रखा है तो वैसा ही है, या इंडिया 17 जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है तो एएस 19 तो पढ़ रखा है। तो एएस 19 में जो हम लेसर के लिए अकाउंटिंग करते थे इंटरमीडिएट लेवल पे, बिल्कुल वही अकाउंटिंग करेंगे हम इंडिया 116 में। किसके लिए? लेसर के। लेसी की अकाउंटिंग चेंज हो गई है और उसके बाद हम फिर सेल एंड लीज बैक की बात। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए।